पीछे पीछे होते जाओ। डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद। डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद। डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद। बच्चों को बुला लो और बाकी के बच्चे इधर आ जाओ। सर ये पिताजी के मित्र हैं, सर विजय जी हैं, सर पिताजी के मित्र हैं। सर ये इंटरनेशनल है जी, कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप पूनम जी गए मुझे बाबू जी गए पीछे होते जाओ। वर्ल्ड कैडेट नंबर 5 अक्षी ये लखन पूनम जी हैं। मैं तो सर नौकरी कर रहा हूँ वहाँ ही। हाँ हाँ अकड़ा यही सवाल है सर, अकड़ा यही सवाल है ये सर। तेरे को पता है सर ये भारतीय खेल प्राधिकरण का लेकिन थाना पे सवाल नहीं है जगरों की राखी है सर। लेकिन अच्छी बात है पहलवान भी बाहर आई है बेटी अर्जुन अवार्ड जी। बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद।
करना ऐसे हो जाओ। मास्टर चंदगी राम जी, मास्टर चंदगी राम जी, भाई साहब सर भैया 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 हम दे देंगे आपको, हमसे ले लेना पड़ेगा। अच्छा ले ऐसे हो जाना, खुल जाना ऐसे 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 खुल जाओ, लंबाई में हो जाओ। इधर आने को बोला मेरे सामने तो डॉक्टर भैया पीछे भैया 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 हमको जरूरी है, जरूरी है हमें जरूरी है। इधर सर इधर सर इधर अब ठीक है बहुत ही एक सॉरी भाई साहब आप थोड़ा सा भाई साहब प्लीज भाई साहब आप थोड़ा इधर रहिए। मास्टर चंकी राम, मास्टर चंकी राम जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत पीछे पीछे जाओ, पीछे 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 जाओ, पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो, पीछे जाओ, पूरा पूरा बोलो। आगे चले जाओ भैया, भैया आप, भैया आप साइड हो जाओ। सर 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 थोड़ा पीछे, सर सर थोड़ा पीछे, सर 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 पीछे, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, निकल आ जाओ, इधर बैठा आप आगे के कर रहे हैं, आप नीचे कर रहे हो। चैन में ला लो, चैन ट्रैफिक रोक लो, ट्रैफिक Thank you.
जिंदाबाद। डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अवतार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइट जला लाइट आपका आशीर्वाद है सर। लास्ट के रिसर्च का उद्घाटन हुआ है तुम्हारे सर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं सर विद ब्रिटेन सर उन्होंने अपने पैसे से बच्चों को बनवा लो अंदर को साहब थे सर उन्होंने सर भारत के सी किया दिल्ली में विजन सिंह बेदी सर उसमें रहते हैं दिल्ली में सर भारत के सी हुआ कभी की फोटो है सर। अच्छा जी जी सर जी सर मैं हरवानी की बात कर रहा हूँ तो ओलंपिक में गए थे हाँ म्यूनिख में ये गए सर वहीं क्या सर गोल्ड मेडल बैंकॉक बैंकॉक का सर ये वाले फोटो सर बैंकॉक वर्ल्ड चैंपियन ये सर फिल्मों का तीन फिल्मों में सर काम किया था विजय कुमार मल्होत्रा जी ने उस टाइम पे भारत देसी करवाया था 68 में हिंदुस्तान की सर पहली फैमिली है जिसमें तीनों फादर डॉटर और ब्रदर तीनों भारत के थे सर मेरी हमारी फैमिली मतलब फादर ब्रदर सिस्टर तीनों भारत के थे और भांजा भी और भांजा का मतलब सीसीटी इंडिया में पहला रिकॉर्ड है ये भारत के थे परिवार से पंजाब में सर इकट्ठे हमने जीता भारत की भाई बहनों ने इकट्ठे सर इकट्ठे नेशनल चैंपियन बने सर इकट्ठे ये सर 2001 सिस्टर सर इसकी शादी सर कैलिफोर्निया में हुई यूएस में अब तो नहीं करती सर बिग बॉस में गई थी सर और दो तीन और बड़े खतरों के खिलाड़ी में गई कलर को गई थी सर ये सर मेरी फोटो है सर सुल्तान ऑफिशियल पोस्ट का सर सुल्तान मूवी का तो सुल्तान की पूरी फोटोग्राफी मेरी सुल्तान के अंदर सर सलमान मैंने 10,000 लड़कियों में से किया था प्लीज ये गीता बबीता है सर 10,000 लड़कियों में सिलेक्शन मैंने इनका किया था आमिर सर को भी ट्रेनिंग दी मैंने दंगल में और सर सुल्तान का ऑफिशियल कोर्स था सुल्तान में इस तरीके से था सर ये सर पिताजी हैं सर जब यहाँ राजीव गांधी कोर्ट का होता है सर बहुत बड़ा तो उसमें सर इकट्ठे जीते सर ये पिताजी का दिल्ली सरकार मैं सर ऑफिशियली सर कॉमन ट्रेडर भी हूँ सर ये सर दिल्ली में सर वो उसी का पोज है सर तो अहिर रावण का रोल किया सर मैंने सलमान भाई
ये सलमान भाई है, हमारी जो रैप अप पार्टी थी तो कुछ ऊपर से अनुष्का है वहाँ पर सुल्तान सुल्तान फिल्म थी ना, फिल्म की फिल्म की फिल्म की दो दो बड़ी मूवीज बनी थी, एक सुल्तान जिसमें सलमान खान अनुष्का शर्मा थे, एक दूसरी मूवी बनी दंगल जो आमिर खान वाली थी। इन बड़ी दो फिल्मों से मतलब लोगों में अवेयरनेस आई, उस एंगल से अवेयरनेस आई लोगों को, मतलब उसके प्रति जागरूकता जी जी ये सर हमारे इंटरनेशनल हीरो हैं, उनकी फोटो है। चार ओलंपिक मेडल है सर, जापान की महिला खिलाड़ी है, इसके चार ओलंपिक मेडल है सर, फोर इंडिया ना सर, वो यूएस की है सर, इसका नाम है सर लुइस मरुडियन, वो भी ओलंपिक चैंपियन है सर, और इसके सर चार मेडल हो गए ओलंपिक में, मतलब इंडिविजुअल गेम में चार मेडल होने सर, 12 साल तक परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होगी, 12 या 16 साल। अरे यार एक मिनट सर, जरा जूता दे दो। Thank you.
किसी में होता है। जी को फोन करो जी।
ऐसे मूवी जी वर्ल्ड वाइड जाती है ना, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। बाइक हो रही है, पीछे शोर मत करो, एक बार बाइक हो रही है, साइलेंट साइलेंट पीछे साइलेंट। एक बार पूनम जी आ जाओ, रोल है पवित्र कार्यक्रम है। यूँ तो इस चौराहे से हम लोगों का इतना लंबा संबंध है और चंदगी राम अखाड़ा ये स्थान, खासकर जो दिल्ली के सार्वजनिक जीवन में लोग रहे हैं, असेंबली के साथ जुड़े हैं, उनके लिए तो इसका और बहुत सारे महत्व हैं। लेकिन चंदकी राम जी ऐसी शख्सियत हैं जो सारे देश के लोग उनको बहुत आदर से सम्मान से याद करते हैं। टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है, बड़े बड़े अवार्ड्स भी बहुत लोगों ने लिए होते हैं, लेकिन उस टैलेंट के अनुरूप आगे वाले भविष्य की जनरेशन्स को ट्रेन करना, उस जज्बे को जीवित रखना और उस जज्बे को एक इंस्टीट्यूशन बना के खड़ा कर देना, ये जो काबिलियत है और ये जो जज्बा है, ये प्रणाम करने लायक है, अभिनंदन करने लायक है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, दिल्ली में मंत्री रहते हुए मेरा उनसे कभी कभी मिलना भी हुआ है, उनके दर्शन भी किए हैं। शायद देश के अकेले ऐसे वो पहलवान होंगे जो सब प्रकार के जितने भी भारत में खिताब हैं, कोई भारत केसरी, कोई महाभारत केसरी, कोई रुस्तम ए हिंद, और जितने भी मेरा ख्याल से हमने सुने सभी उनको मिले हैं। पद्मा तो है ही है, वो तो स्वाभाविक है, और फिर ओलंपिक में, एशियन गेम्स में सब जगह मेडल्स लेके आए। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी उनके जो बेटे हैं जगदीश जी, वो जो है उनकी जो लीगेसी है उसको आगे रख रहे हैं, जिंदा वो इंस्टीट्यूशन जिंदा रख रहे हैं। इतने यंग बच्चे बच्चियां, इनको लगातार यहाँ पहलवानी की ट्रेनिंग मिल रही है। अब इनकी मथुरा में पोस्टिंग है, लेकिन इनकी पत्नी जो है इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। और मुझे आज के अवसर पर यही कहना है कि ये जो चौक है, ये बहुत सारे यंग लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। पहलवानी जो है ये एक स्पोर्ट्स तो है ही है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैं तो स्वास्थ्य के फील्ड का व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा है इसको करना। और इतने उत्साह के साथ यंग बच्चे इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, और जब चंदगी राम जी जैसे महान लोगों का नाम जिस काम से जुड़ा होता तो स्वतः ऊर्जा और प्रेरणा जो है उसका प्रतिपादन होता है। तो आज का ये कार्यक्रम जिसमें दिल्ली के नगर निगम ने यहाँ जो चौक है, यूँ तो ये राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तो ये चौक प्रदर्शन करने वाला चौक है। किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार हो दिल्ली में, उसके खिलाफ प्रदर्शन यहीं होता है इसी चौक के ऊपर। और बड़े से बड़े नेता जो यहाँ से, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन से हो, चाहे वो असेंबली से हो, पार्लियामेंट में गए हों, कैबिनेट में गए हों, वो कहीं मंत्री बने हों, सब ने यहाँ प्रदर्शन जरूर किया है। और इसलिए इस चौक का नाम चंदकी राम चौक हो गया। पहले भी इसको इसी नाम से बोलते थे सब लोग, हम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं, लेकिन आज औपचारिक नामकरण हो गया और उनकी मूर्ति भी जो है उसका भी जो है अनावरण अभी होगा। तो ये दोनों सुकृत्य निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को बहुत उत्साह और प्रेरणा देंगे। मैं दिल्ली नगर निगम को और हमारे यहाँ जो कॉरपोरेटर हैं भाई, कहाँ गए अवतार सिंह जी, इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ इस अवसर पर। यहाँ की जो MLA हैं अलका लांबा जी, वो भी आई हैं, उनको भी जो है धन्यवाद है। और हम सब मिलके जो है उनकी जो याद है उसको एकदम शाश्वत रखेंगे, हम इसका विश्वास दिलाते हैं। मास्टर चंदगी राम जी के बारे में कुछ बातें बताइए, उनकी क्या विशेषता है? नहीं, विशेषता तो देखो उनके बारे में तो सारी चीज़ें लोग जानते हैं, एक बहुत ही समर्पित उनका व्यक्तित्व है। और मैंने कहा ना, जो जज्बा जिसको मैं पसंद करता हूँ, देखिए क्रिकेटर तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन जो आगे फ्यूचर जनरेशन को भी क्रिकेट सिखाने में अपने को समर्पित कर रहा है, तो उसका जज्बा अलग हो गया ना। तो मास्टर चंदगी राम जी ने यहाँ ये बात सही कही कि जो महिलाओं को जो कुश्ती की प्रेरणा देने का सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ही किया। और मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत ही ऑलराउंड व्यक्तित्व था, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत विजनरी थे,
भविष्य के बारे में सोचते थे। उनको द्रोणाचार्य मरणोपरांत द्रोणाचार्य पुरस्कार, हाँ नहीं उनको सारे, उनके लिए ये कोई नाम के पुरस्कार जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला, सारे अवार्ड्स मिले हैं उनको, कोई देश का अवार्ड नहीं है जो उनको ना मिला हो। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का बहुत बड़े पैमाने पर नाम रोशन किया, अच्छे नेक इंसान थे। और हमें इस बात की खुशी है कि उनके बच्चे भी उनकी जो शख्सियत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर जो जगदीश काली रमन जी जो इस अखाड़े के संचालक हैं उनके बारे में आपके क्या कहना है? अब उनके बारे में तो मुझे ये समझ में आया कि आजकल तो कुश्ती से ज़्यादा फिल्मों के अंदर उनका जो है ध्यान है और देखा जाए तो बिल्कुल एकदम हीरो ही है। दंगल और दूसरी जितनी भी फिल्में हैं, और कभी कहीं वो सलमान खान के साथ दिख रहे हैं, कहीं वो अनुष्का जी के साथ दिख रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि ये दो लड़कियाँ जो हैं मैंने 10,000 में सेलेक्ट की थी। तो अभी तो उनका ध्यान थोड़ा सा जो है फिल्मों में ज़्यादा है, लेकिन लेकिन अच्छी बात है कि वो इस इंस्टीट्यूशन को कायम रखे हैं, मथुरा से इसको हैंडल कर रहे हैं, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ा हुआ है। तो खैर मजाक की बात भी हो गई, लेकिन अच्छा है कि फिल्मों के माध्यम से अब दंगल जैसी फिल्म बन गई तो लोगों को कुश्ती का महत्व समझ में आया, और कुश्ती जो है लोगों ने समझा कि ये भी जो है कितना गहरा, हालांकि ये तो हमारा प्राचीन जो है जिसे कहते हैं जो खेलों में अगर कहें कि हमारा प्राचीन DNA कहाँ कहाँ है, तो कुश्ती के अंदर भी हमारा DNA है बेसिकली। सर ये जो रेसलिंग हॉल जो AC बनाया है हमारे अखाड़े में ड्यू टू जगदीश नहीं बनाया सर जी, और जितनी फैसिलिटीज हैं दिल्ली में जितने अखाड़ों में जो यहाँ है ड्यू टू जगदीश है। सर आज आप आज धन्यवाद जो रेसलिंग, मैं माननीय मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ अवतार सिंह जी हैं पार्षद हमारे आज, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे इलाके के MLA हैं मैडम अलका लांबा जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो यहाँ पे चंदगीराम चौक का जो अनावरण था और मूर्ति का जो अनावरण था उसके लिए सब लोगों के सहयोग से ये संभव हो सका है, और सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग चाहिए जिससे कि आगे ये अखाड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान देश के लिए तैयार करके दे। धन्यवाद सर। इसके इस अखाड़े के लिए इसके डेवलपमेंट के लिए और भी कोई ये प्लान बना के देंगे तो चाहे वो सरकार से हो चाहे वो कॉरपोरेशन से हो और कहीं से भी ना हो तो मेरे अपने MP डेवलपमेंट फंड से जो भी ये बना के देंगे, जो ये प्लान बना के देंगे जो जो कि मास्टर चंदगी राम की इज्जत के अंदर चार चांद लगाता होगा उसको मैं यहाँ प्रॉमिस सार्वजनिक तौर पे करके जा रहा हूँ, उसके लिए मैं सब प्रकार के फंड की व्यवस्था करूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान दे रही है, नशे की तरफ ज़्यादा बड़ी, खेल कूद में कम बढ़ चढ़ के भाग ली, तो उसके बारे में आपका क्या मैसेज है हमारे चैनल के? नहीं नहीं हमारा देखो स्वाभाविक है कि युवा पीढ़ी को हमारा कहना है कि ठीक है सोशल मीडिया भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप करिए, लेकिन जो खेल है फिज़िकल एक्टिविटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इतने वर्षों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जो जीवन में जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो केवल व्यक्ति की हेल्थ है। ये लोग समझते हैं ये पैसा जो है नोट है ये वेल्थ है, ये वेल्थ नहीं है। जो हेल्थ है उससे बड़ी वेल्थ एक ही है, वो है करेक्टर। तो अगर बच्चे हमारे अपने चरित्र निर्माण पे अपनी जो आते हैं उन सबको भी सात्विक रखे अच्छा रखे और विशेष रूप से अपने हेल्थ पर फोकस करें, हेल्थ के लिए किसी भी फॉर्म में फिज़िकल एक्टिविटी की जाए, जीवन के अंदर कुश्ती एक उसका प्रकार है, खेल किसी भी तरह के खेल से जुड़ें, दौड़ना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें जीवन के आवश्यक अंग बनने चाहिए। आज अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि दुनिया में 45% बीमारियाँ सिर्फ फिज़िकल इनएक्टिविटी के कारण होती हैं। तो हमारे नौजवान जो है उनके वो हमारे देश के भविष्य हैं, तो उनसे बहुत आशा है कि अपने को स्वस्थ भी रखेंगे, चरित्रवान भी रखेंगे, और अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी चिंतन करके अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये सब अवतार सिंह जैसे उपाय बात भी नहीं, पहले प्रोग्राम करो, पहले प्रोग्राम करो, बात में करेंगे। हाँ हाँ हाँ।
हेलो, मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे हर्षिल अजीत केंद्रीय मंत्री हेलो डॉक्टर हर्षिल अजीत सिंह दो कुछ दो एक बार जाइए डॉक्टर मंच पे आए। हाँ मैं प्रोग्राम में हमारे विधायक अलका लामा जी से निवेदन करूँगा कि वो भी मंच पे आए। कल के भाव लगा कौन सा अगर मंच के आगे सब बैठ जाएंगे तो हम कार्यक्रम को सही तरीके से चलाएंगे। सब लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ। मेरा निवेदन है मंडल अध्यक्ष जी भी आ जाए पीछे, ले ले एक दो तीन कुर्सी पीछे लगा दीजिए। जलद जी बस ठीक है, बस ठीक है। मेरा संबोधन माता जी अगर सुन रही हो, फूलवती जी जो कि हमारे मंडल से बहुत सम्मानित लोग यहाँ आए हैं। सुभाष दादा जी, सतीश महले जी हमारे मंडल के महामंत्री, अपना बोलते कुर्सी पीछे लग गया बैठ गया। हमारा मंदिर के अध्यक्ष राकेश तोमर जी आए हैं, अभी आपको भी सम्मान कर रखा था। एक बार जोरदार माता जी की ताली बजा रही है, माता जी हम जीतने आ रही है। नवनीत रामला कैदी से मुकेश राजपूत जी आए हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई ओमकार चौहान जी अपनी पूरी टीम संजीव जी के साथ आए हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। अगर किसी का नाम नहीं ले पाए, अनिल बुद्धि आप आ जाए, या किसी का अजय जी भटनागर जी भी आए हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। एक कुर्सी और करा देते हैं।
चेयरमैन साहब आ जाओ, चेयरमैन साहब जगदीश जी। हेलो 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 मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ा पीछे में कभी पीछे आएंगे इधर हो रहे हैं पीछे बहुत समय से आए हैं, अच्छा कुछ दीदी हमारे बीच में आए हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं हमें गलती आए हैं। राजा भाई कश्मीर से आए हैं, मैं सेवा पहलवान है, उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। जगदीश जी ये बिजली है, जगदीश जी आप ऊपर रह जाओ, अभी जो पहलवानों से स्वागत करना आप बताओगे मंडल क्या मैं करवा रहा हूँ, पहले हम करवा रहे हैं उसके बाद आपका आ गया भाई इधर कौन देगा, कौन देगा आप लोग, मैं और पहलवान मैं जगदीश जी से निवेदन कर रहा हूँ। हेलो 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 सबसे पहले डॉक्टर को एक तभी से और दिल बड़े से सम्मान देने जगदीश चौहान जी और अखाड़ी फोर्स जगरूप सिंह जी आई पी एस रिपोर्ट है और अर्जुन है अखाड़े का निशान जी मंत्री जी आप आ गए, एमएलए जी आप आ गए, महिला का समय बढ़ा करेंगे लगनी है, चाहे बच्चों में खेले हों, चाहे वो हमारे बेंच हों,
ये किसी प्रकार का विकास कर रहे हैं, उन्होंने अपना दिल खोल की कोशिश किया हमको। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने ब्रह्म रोग के प्रशासन का समर्थन करें और कैसे दें। अभी बात भी कर लेंगे। जयंती का स्वागत पब्लिक से इस बार से पब्लिक से हमारे बीच में भाजपा रहे हैं, भाजपा का भी भाजपा रहे हैं गोपाल भाजी हमारे हेलो दिल्ली प्रदेश के भाजपा के नेता भी हैं और बिहार से चुनाव लड़े हैं, एक स्थान और एक प्रति में धरण करेंगे कार्यवाही जी। बस शॉर्ट में करना ठीक है। राकेश को करना मुकेश जी को अब जरूरत है अब बंद कर आज हमारी संस्था में आए माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मुख्य अतिथि आदेश गुप्ता जी महापौर, अध्यक्षता जथेदार अवतार सिंह जी जो निगम पार्षद हैं, जिनके अथक प्रयास से जो आज ये नामकरण गुरुजी के नामकरण हुआ है चौराहे का। वैसे तो पॉपुलर है दिल्ली में भाई चंगीराम अखाड़े में इकट्ठा होना है, एजिटेशन करना है, वहां से चलेगा जत्था। लेकिन आज जो इसकी पहचान माननीय हर्षवर्धन जी ने दी है, हम इसके अति आभारी हैं। और जो मेहनत की है हमारे निगम पार्षद में, जो हमारे इलाके के बहुत ही प्रसिद्ध और समाज सेवी हैं, इनके पास हम जाने का बस जाते ही हमारे पीछे लग जाते भाई काम बताओ काम बताओ। जितने भी फ्लड लाइट लगे हुए हैं अखाड़े में, पानी का है, जो भी काम है, इनकी बहुत ही मेहनत से ये सब कुछ हमें सुविधाएं मिली हैं। और इनके प्रयास से ही, अवतार जी के प्रयास से ही आज का जो ये समारोह हुआ है, इन्हीं के प्रयास से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। मैं जगदीश काली रमन को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो निगम पार्षद हैं अवतार जी, इनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये पहलवान कहाँ है भाई, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो आज का प्रोग्राम है, जो 100% जो क्रेडिट जाता है हमारे पार्षद जी को ही जाता है, इन्होंने ये व्यवस्था की डॉक्टर साहब को लाने की, अलका जी को लाने की, रात दिन मेहनत करके इन्होंने इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया, हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगणों का सेलैम मंडल की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, अध्यक्षता कर रहे जथेदार अवतार सिंह जी का, और हमारे क्षेत्र की विधायिका श्रीमती अलका लांबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये कार्यक्रम जो चलाया है यहाँ पे। पद्मश्री मास्टर चंदकीराम अखाड़ा जो था वह मास्टर चंदकीराम चौक से जाना जाएगा और ये बड़ी ही खुशी की बात है। मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि एक जयघोष के साथ हम कार्यक्रम शुरू करें। भारत माता की, भारत माता की, मास्टर चंदकीराम जी।
मास्टर चंदीराम जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे बीच में, हमारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी का नाम लूंगा और वह आकर डॉक्टर साहब का एक बार स्वागत करेंगे। जल्द से जल्द डॉक्टर साहब हमारे मंडल के दो चार लोग ही आएंगे, उनके रहता है सुभाष दावर जी, भूपेंद्र सरीन जी, सतीश मरोलिया जी, जिस जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया अगर जल्दी आए और अपना डॉक्टर साहब का एक पुष्पमाला द्वारा वहाँ से माला दे दो जी। डॉक्टर साहब एक बनता है जी, बाद में, फिर बाद में दिक्कत होगी। हाँ, हमारी जो रामलीला कमेटी है उसकी तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ मुकेश राजपूत जी से, अरुण भटनागर जी से, वह भी आए और आकर डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और सिविलाइन मंडल की तरफ से बस एक और लास्ट स्वागत, जो कि हमारे मंडल के प्रधान है योगेश शर्मा जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पूरे मंडल की तरफ से हमारे मंडल का स्वागत करेंगे योगेश शर्मा जी। हमारे बीच में मनोज तिवारी जी हैं, अशोक तोमर जी जो कि ख्वाया मंडी के प्रधान है, वह भी आए अशोक तोमर जी और आकर डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मनोज तिवारी जी, अब्दुल अजीज जी, विनेश अग्रवाल जी, प्रफुल्ल मिश्रा जी, ये सभी लोग हमारे बीच में हैं। प्रदीप जी पुष्प कुछ देकर मैं महिला मोर्चा से मोहनजीत कौर जी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा अमोला विश्वास जी के निवेदन करूंगा और पूनम जी से, पूनम गोस्वामी जी से कि वे आए और अलका लांबा जी का स्वागत करें। अभी करा देते हमारे बीच में हमें मंडल के महामंत्री विकास गहलोत जी से कहूंगा कि वे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत करें। हमारे बीच में सिविलाइन मंडल की पहली टीम आई हुई है, डॉक्टर साहब की व्यस्तता है। हमारे बीच में मनीष जाली जी आए हैं, मंडल में मंत्री हैं अब्दुल अजीज जी, मंडल में मंत्री हैं रमेश अग्रवाल जी, मंडल में मंत्री हैं श्रीमती अमला विश्वास जी, मंडल में मंत्री हैं महिला मोर्चा अध्यक्ष है। हमारे बीच में खंड प्रमुख प्रेमचंद देवर जी हैं, उनका ही स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है, अपना मास्टर चंद्रराम अखाड़े के जो कोच हैं सहदेव जी, वह मंच संचालन आगे का करेंगे और पूनम जी जो कि अखाड़े के संचालक जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वह मंच पे आ जाएं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि पूनम जी का स्वागत करें एक पुष्प गुच्छ देकर। हम नहीं बोलेंगे मोहनजीत जी, कृपया मंच पे आ जाए। अलका लामा जी, मोहनजीत कौर जी का स्वागत कर रही हैं, बड़ी खुशी की बात है जी। सुमन गुप्ता जी भी स्वागत कर रहे हैं महिला शक्ति का। आप अपना कागज लेकर आना फटाफट। मैं मंच के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कोच साहब सहदेव जी को कि वे आगे का कार्यक्रम अपने हिसाब से चलाएं। हमारे बीच में हमारे मंडल में उपाध्यक्ष रिजवान साहब भी आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिविल मंडल की ओर से। आगे भी स्वागत व्यवस्था सहदेव जी करेंगे। हम बात नहीं करते हैं,
मैं निवेदन करता हूँ श्री साहिल सर आप जी आए एक बार, व्यायामशाला समिति आपका स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का करेंगे जो हमारी व्यायामशाला समिति को जो मान सम्मान डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दिया है आज, और हमारे निगम पार्षद जी ने, अवतार जी ने, तथा हमारी विधायिका श्रीमती अलका लांबा जी ने, हम इनके सदैव ऋणी रहेंगे। श्री विश्वेंद्र कालीरमन जी जर्नलिस्ट वो भी आए, कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर कुकरेजा जी निर्वाणा हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब का स्वागत करें। माला देता नहीं, वहीं खड़ा रहे, आराम से खड़ा रहे। डॉक्टर कुकरेजा जी कृपया आए। श्री धर्मेंद्र सिंह जी SHO जो हमारे सिविल लाइन के SHO हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया आए। हमारे बहुत ही होनहार और ईमानदार जो कर्मठ अधिकारी हैं, अखाड़े की तरफ से हम अपने SHO का स्वागत करना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष जगदीश कालीरमन जी से आए और हमारे अधिकारी का स्वागत करें। आपके नेतृत्व में इस इलाके में बहुत ही अच्छे काम और बहुत ही जो क्राइम जीरो है हमारे एरिया में, आप रात दिन लगे रहते हैं इलाके की सेवा के लिए। डॉक्टर साहब खुद आपका विधिवत स्वागत करते हैं। भारत माता की अमर रहे। धन्यवाद जगमेल सिंह जी, धन्यवाद। विजय शर्मा मेरठ से जो हमारे अखाड़े के बहुत ही बुजुर्ग संयोजक हैं, मटका हाउस में जॉब करते थे, और डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब बहुत कीमती समय से कुछ समय हमारे निकाल के आए हैं, और दो मिनट के अंदर हम डॉक्टर को यहाँ से फारिग कर देंगे। मास्टर चंद्रयाम जी से मेरा जो रिश्ता है लगभग 30 साल में है। डॉक्टर अपना मास्टर जी साइकिल के ऊपर कश्मीरी गेट में आते थे, हमारे मामा जी की दुकान थी BM कुंद्रा जी की। डॉक्टर जब वो मास्टर जी आते थे तो कुछ सामान खींचते थे तो जेब से पैसे निकालने के लिए पोटली निकाल लेते, पोटली होती थी पहले, लेकिन जितने देर निकाल ले पैसों को छूते भी नहीं थे, वो साइकिल से चलना सादगी जीवन। मास्टर जी ने जब मिट्टी का खाया था तो मुझे उन्होंने यहाँ पर जोर सिखाया, और मैंने उनके साथ मतलब कुश्ती करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और अब डॉक्टर से निवेदन करेगा कि बेशक कहें उसके अलग्रामी उसके मूर्ति का आवरण कार्यक्रम छोटा वाला भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन करके जाएंगे। डॉक्टर जय श्री राम। सर मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब से कि हमारे जो नेतृत्व है जिनका इस अखाड़े पर, माननीय श्री जगरूप सिंह राठी अर्जुन अवार्डी जो गुरु जी के सबसे परम शिष्यों में से एक हैं भारतवर्ष में, और इनकी बेटी भी अर्जुन अवार्डी रही है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब का, हमारे जो बुजुर्ग पहलवान है जिसके नेतृत्व में ये संस्था चल रही है, इनका एक बार स्वागत करें, कृपा करें। डॉक्टर साहब रिटायर्ड IPS हैं जगरूप सिंह जी, और गुरु चंदी राम जी के परम शिष्य में से एक हैं। ये जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया है इनके अथक प्रयास से हुआ है, और मैं निवेदन करता हूँ सत्यवान पहलवान अर्जुन अवार्डी, डॉक्टर साहब एक मिनट और लेना आपकी प्लीज, ये भी अर्जुन अवार्डी है, गुरु जी के परम शिष्य हैं, और देखिए उनका बेटा सत्यव्रत वो भी अर्जुन अवार्डी है, और इनकी पुत्र वधु साक्षी मलिक जो ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल आई थी वो भी अर्जुन अवार्डी पद्मश्री है, एक ही परिवार में तीन तीन अर्जुन अवार्डी पद्मश्री है। सर के पास हो जाओ एक बार। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा निवेदन है कि डॉक्टर आप जो मेडिकल अंकल जी बोले उसके बाद आप भगवान को अर्जुन याद कर रहे। मैं सबसे पहले हमारे अर्जुन अवार्डी पद्मश्री चंडी राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जब उनकी गाथाओं को उनके पुत्र जगदीश जी हमें बता रहे थे 60 और 70 के दशक में, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने कहा कुछ लोग जब दुनिया छोड़ते हैं वो अमर हो जाते हैं, और पद्मश्री चंडी राम जी अमर हो चुके हैं कि 70-60 की दशक की जो गाथाएं हैं वो आज भी हमारे बीच में हम सबको जीवित करती है। और मैं एक बार महिला होने के नाते भी उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए उन्होंने निखाड़ों के दरवाजे खोले, और जो हमारी देश की बेटियां हैं वो भी किसी से कम नहीं है, ये किसी और में नहीं चंडी राम जी ने खुद साबित करने के का जो है बीड़ा उठाया। मैं एक बार फिर से हमारी बीच में हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्थानीय विधायक होने के नाते खासतौर से अपने भाई हमारे यहाँ से नगर निगम पार्षद जत्थेदार अवतार सिंह जी का बहुत बड़ा काम आपने किया है, ये एहसान नहीं है परिवार के ऊपर, ये हम सबके लिए बहुत आज गर्व का विषय है कि ये चौराहा आज से ऐतिहासिक चौराहा हो गया है, क्योंकि इस चौराहे का नाम आज हमारे पद्मश्री सम्मानीय हमारे जो है चंडी राम जी के नाम से हो गया है। तो मैं एक बार फिर से उत्तरी नगर निगम का आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार करती हूँ, और पूरे परिवार को मैं कहूंगी ये जो विरासत है ये इसी तरह आगे लेकर चलते रहिएगा, क्योंकि चंडी राम जी के बारे में मैं जब पढ़ रही थी नाम के आगे मास्टर जी जुड़ा हुआ था, लेकिन मास्टर से पहले पता लगा वो देश की सेना में भी रह चुके हैं, और सेना से मास्टर होना, मास्टर से इस तरीके की एक क्रांति लेकर आना और विरासत उसे आगे बढ़ाए, आज उनकी धर्म पत्नी भी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना हुआ है। मैं यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आज हम सबने राजनीति से ऊपर उठकर एक होकर हमारे सांसद विधायक पार्षद इस मंच पर है, क्योंकि उन्होंने हमें एक किया है, हम सबको एक किया, और इसी ताकत से हम इस देश को आगे ले जाने का जो प्रण लेते हैं। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद। अभी डॉक्टर साहब का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उसके बाद भर्ती का आरंभ है। डॉक्टर साहब को हमें जाना है मगर कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और जो हमारे और पहलवान आए हैं उनका सम्मान जगदीश जी करेंगे, हमारे मंडल को खेलेगा सम्मान जगदीश जी करेंगे। तो कार्यक्रम डॉक्टर साहब के जाने के बाद अभी हम संपन्न नहीं करेंगे, अभी अध्यक्ष जी का भी वेट करेंगे। जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद भी दे रहे हैं और गरिमा भी इसको प्रदान कर रहे हैं, हम सबके लिए आदर्श स्वर्गीय मास्टर चंडी राम जी की धर्म पत्नी हम लोगों के लिए माता समान आदरणीय वीरवती देवी जी, उनके सुपुत्र जगदीश जी, उनके परिवार के सभी अन्य सदस्य हैं, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और आयोजनकर्ता हमारे भी अपने पार्टी के सहयोगी जत्थेदार अवतार सिंह जी, उनकी पत्नी, इस क्षेत्र की विधायिका अलका लामा जी, हमारे पार्टी के ही वरिष्ठ साथी सुमन गुप्ता जी, हमारे पास के क्षेत्र के आए हैं देवी राम जैन जी, यहाँ बहुत सारी सम्मानित हस्तियाँ हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं सबका नाम से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुतों का नाम से मैं आज परिचित हुआ हूँ, बहुतों का नाम मैंने सुना था, बहुतों को पहली बार देखा है, लेकिन ये जरूर ध्यान में आया कि यहाँ जो लोग आए हैं इनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत का नाम सारी दुनिया के अंदर रोशन किया है, जिनके ऊपर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। ऐसे सभी महान बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में बहुत सारे इस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं,
बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के भी यहाँ पर लोग हैं, और मैं इस कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र मानता हूँ। स्वर्गीय चंद्रजी राम जी ने भारत का हमेशा नाम रोशन किया, भारत केसरी, हिंद केसरी, महाभारत केसरी, विश्व हिंद, शब्द जितने भी ताज हैं भारत में, अर्जुन अवार्ड से लेकर पद्मा अवार्ड तक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम्स हों, ओलंपिक गेम्स हों, उन सब में उन्होंने विजय भी प्राप्त की, भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी, और इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी सारा जीवन बहुत ही, अभी अवतार सिंह जी उनके जीवन की सिंप्लिसिटी के बारे में उल्लेख कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग होते हैं, सादा जीवन होता है, उच्च विचार होते हैं, उच्च कोटि के सात्विक कर्म होते हैं, और मैं समझता हूँ कि चंद्रजी राम जी उसी प्रकार के व्यक्तित्व थे। अपने लिए तो मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपने लिए मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद ऐसे ही दूसरे लोग भी देश में बने, आगे भविष्य की पीढ़ियां भी उसी प्रकार से उनका निर्माण हो, इसके लिए अपने मन में भाव रखे, उसके लिए निस्वार्थ भाव से सात्विक ढंग से काम करना, काम करते जाना, उस काम के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना। वही पूनम जी यहाँ पर है, उनके पति यहाँ दिल्ली में नौकरी नहीं करते हैं, मथुरा में नौकरी करते हैं जगदीश जी, लेकिन वो जो है चंद्रजी राम जी की विरासत को वहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस प्रकार से चंद्रजी राम जी ने अखाड़े के माध्यम से देश में सैकड़ों हजारों पहलवानों को ट्रेनिंग दी, उनके जीवन को निखारा, सुधारा, और उसमें भी विशेष कर जो उनकी एक विशेष योगदान जो भारत कभी भूल नहीं पाएगा कि जो बच्चों को जो है रेस्लिंग के साथ उन्होंने जोड़ने के लिए जो प्रयास किया, वो जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्रिएट की, मुझे इस बात की खुशी है कि उनके द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशन, उसको उनके बच्चे भी उसी भावना से उसी उत्साह के साथ चला रहे हैं। आज का दिन इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है कि शायद आज कोई औपचारिकता पूरी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो औपचारिकता होती है ये तो औपचारिकता होती है, असली कार्यक्रम तो वो होता है जो लोगों के मन में होता है, लोगों के दिल में होता है। मैं 1993 में राजनीति के क्षेत्र में आया था, सार्वजनिक जीवन के मेरे को 25 साल अभी 13 अक्टूबर 2018 को पूरे हुए, उस 25 साल में 20 साल तो मैं दिल्ली के विधानसभा में विधायक रहा, 4 बार मैं दिल्ली में बीजेपी का अध्यक्ष रहा उस 20 साल में 25 साल में, और ये जो चौक है, ये जो सड़क है, इसके ऊपर से पता नहीं कितनी हजार बार आना जाना असेंबली में, कितने सैकड़ों बार यहाँ पर कितने प्रकार के प्रदर्शन, मुझे तो कभी आज तक ये नहीं पता था कि ये चौक जो है ये चंद्रजी राम चौक के अलावा कुछ और है, क्योंकि मेरे मन में तो चंद्रजी राम जी के साथ जो थोड़े बहुत समय दो चार बार जब भी किसी भी संदर्भ में उनसे दिल्ली में असेंबली में होते हुए जो है मेरे को संपर्क में आने का मौका मिला, तो मेरे पास तो वही मधुर स्मृति है एक अच्छे बड़े बढ़िया श्रेष्ठ इंसान की, और मैं तो समझता हूँ कि ये एरिया जो है इसके अंदर तो इस चौक के ऊपर नाम उनका लिखो ना लिखो, चौक पे ये मूर्ति लगाओ ना लगाओ, उनकी सुगंध जो है वो इस चौक पे वो हमेशा रहती है, और वो सुगंध जो है वो किसी ना तो मूर्ति की मोहताज है ना वो किसी कारपोरेशन के बोर्ड की मोहताज है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमें भी इस बात के लिए अवतार सिंह के ऊपर गर्व हो रहा है कि हमने एक काउंसलर बनाया जिसने सोचा इसके बारे में, ध्यान दिया इसके बारे में, और इस बात का और भी ज्यादा मुझे खुशी हो रही कि इन्होंने MLA को भी बुलाया यहाँ पर जो है, क्योंकि ये जो काम होते हैं इस तरह की ये सब राजनीति वगैरह ये सब चीजों से ऊपर होते हैं, इन कामों के अंदर एकदम सात्विक भाव होता है, सात्विक इनका लक्ष्य होता है, सात्विक इसके अंदर ऊर्जा होती है,
और इसी में से साथ ही खुशबू जो है और ज्यादा महकती है। तो चंदगी राम जी तो अमर है, उनका नाम अमर है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि कम से कम जो छोटे बच्चे या कोई दूसरे को और नई भविष्य की जनरेशन से इधर से आएंगे जाएंगे या आने वाले समय के अंदर और नए MLA बनेंगे वो असेंबली में आएंगे देखेंगे, जिनको नहीं पता तो कम से कम वो चंदगी राम जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आजकल तो इतना सुलभ है किसी के बारे में जानना कि टेलीफोन में अपना जेब से मोबाइल निकालो और एक मिनट में सब जगह पर हमारे मोदी जी ने पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर फैला दिया है, हर जगह पर जो है इंटरनेट उपलब्ध है। आप व्यक्ति का नाम लिखिए तो आपको पूरी दिन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक प्रकार से जो बोर्ड लगाया बाहर ये हर एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेगा जो नहीं भी उनके बारे में कुछ जानता होगा कि चौधरी चंदगी राम जी कौन थे। तो मैं समझता हूँ जो फिर कौन को पता करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत ऊर्जा भी मिलेगी, संस्कार भी मिलेगा आने वाले भविष्य में कुछ करने के लिए, उसके मन में भावना भी पैदा होगी। अभी जिन बच्चों को और बच्चियों को मैं मिला आके तो बहुत छोटे 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 मैं तो सबके वो मसल को मैं देख रहा था, टेस्ट कर रहा था कि कितने कितने मसल बन चुके हैं, कितने अभी बनने बाकी हैं। लेकिन यह है कि मैंने देखा उनके भी सबके ये जो बाइसेप्स वगैरह बड़े अच्छे ताकतवर बने हुए थे और पूरी दो दो बच्चों ने दो बच्चियों ने यहाँ पर जो कुश्ती हमें दिखाई तो हमें उसमें भी बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक अपना कुश्ती तो हमारे देश का वो खेल है जिसको कुछ खेल ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे देश के खेल है, ये हमारे देश का स्पोर्ट्स है और ये प्रकार से हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये हमारा DNA है, ये हमारा बिल्कुल अपना है, ये उस तरह की चीज़ है। ये कुश्ती जो है, खो खो है, ये सारे हमारे अपने देश के भारत के खेल है। तो इनको जिन्होंने भारत के अंदर स्थापित किया, इनको आगे बढ़ाया, मेरे एक टीचर हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के, स्कूल में पढ़ता था दरियागंज में एंग्लो संस्कृत के अंदर, और उस समय 1971 के अंदर वो पता नहीं जो लोग पहलवान लोग हैं वो उनके बारे में जरूर जानते होंगे, जयप्रकाश शर्मा जी, और वो जो है ये सब उस जमाने के जो राम जी हैं और जो पुराने जो उनके भी समय के जो शिष्य हैं सतपाल जी और सुदेश और ये सारे लोग, उन सबके साथ उनका बहुत ही वो हमेशा उनके साथ वो इन लोगों की आपस में वो बहुत बात किया करते थे। आज भी वो जीवित हैं और महान विद्वान हैं। तो मेरा चंदगी राम जी के जीवन के अंदर जो एक प्रकार से थोड़ा सा उनके बारे में जो और नज़दीक से ज्ञान है वो उनके थ्रू भी थोड़ा सा मेरे जीवन के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो खेल है इसको अगर खेल की दृष्टि से भी ले तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। एक डॉक्टर होने के नाते और बहुत जो भी कुछ सार्वजनिक जीवन का वर्षों तक दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर रहने के कारण, 30 साल तक एक्टिवली डॉक्टरी करने के कारण, विश्व स्वास्थ्य संगठन में दुनिया के कम से कम 30-40 देशों के अंदर जाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के कारण, सब बातों के कारण मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी दौलत है वो वास्तव में जो हम जिसको दौलत समझते हैं, जो हम उसको लॉकर में बंद करते हैं, जेब में रखने की कोशिश करते हैं, जरा सी कम हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाए तो रखने के लिए समझ नहीं आता कहाँ रखेंगे, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते जाते हैं, वो असली दौलत नहीं है। असली जो दौलत है वो आदमी के लिए उसका स्वास्थ्य है। ये अगर व्यक्ति एक बार अच्छी तरह से समझ ले कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो मेरी असली दौलत है, इससे बड़ी एक ही दौलत है आदमी के लिए जो उसको जरूर अपने जीवन में रखनी चाहिए, वो है उसका चरित्र। वो बचपन में भी हमें कहते थे ना कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मैं समझता हूँ कि जो चंदगी राम जी ने ये जो असली वेल्थ है हेल्थ बच्चों की, और जो उससे भी बड़ी वेल्थ है करेक्टर, इसके निर्माण के लिए जो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया और जिसके माध्यम से
देश में देश का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है। अभी भी जो है कोई ना कोई अब मैं सब बच्चों के नाम नहीं लेता, लेकिन जो है अब उनके परिवार में तो बेटा बेटी दोनों ही जो है उन्होंने जो है मेडल्स लिए, एक एक समय में देश में भी लिए, बाहर भी लिए, और भी दूसरे परिवार के लोगों ने। तो आज उनके प्रति शायद सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग अपने अपने जीवन में, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग कुश्ती करना शुरू कर दें, सारे काम छोड़ के आप सब कुश्ती करके पहलवान बने, आपको अगर शौक है तो पहलवानी करने के लिए आइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर पहलवानी नहीं करनी तो भी अपने जीवन में 24 घंटे में करीब आधा घंटा से एक घंटे के बीच में अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के अंदर हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप उसके लिए योगा करें, आप उसके लिए कुश्ती करें, आप उसके लिए दौड़ें, आप उसके लिए जिम में जाएं, आप उसके लिए मेडिटेशन वगैरह करें, लेकिन ये सब कुछ आपको करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको एक तो डॉक्टर वगैरह से दूर रहेंगे, उसमें जो खर्चा वर्चा होता है वो भी बचत होगी, लेकिन आपकी लाइफ जो है 10-15 साल तो वो बहुत आसानी से केवल 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से ही एकदम आसानी से बढ़ जाएगी। इसलिए इस क्षेत्र में सांसद बनने के बाद मैंने सबसे पहला जो प्रकल्प अपने हाथ में लिया, क्योंकि मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी देखता था, पढ़ता था, और लोगों को भी देखता हूँ कि बच्चे को जिम जाना हो अगर तो प्राइवेट जिम में जाए, अगर किसी ईमानदार आदमी का बच्चा तो 2-3 बच्चे अगर हैं, तीनों को जिम में भेजना हो 15,000 रुपये तो कम से कम महीने का खर्चा हो जाएगा, और अगर तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपये तो कहाँ से 15,000 खर्चा करेगा। इसलिए हमने अपनी पूरी पार्लियामेंट्री सीट पे कम से कम अभी तक 160 मैंने जो है ओपन जिम लगवाए इस काम के लिए, और बहुत छोटे और भी छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे ढेरों प्ले ऑपरेटर, क्योंकि मुझे लगा उसमें सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगा कि खुली हवा में बिना पैसा खर्च किए अधिक से अधिक लोग अपने जो है स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं। तो आज चंदगी राम जी को शायद सच्ची श्रद्धांजलि ये ज़रूर हो सकती है कि अगर हमारा ध्यान हमारे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की ओर केंद्रित नहीं है तो आज से कम अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में भी कुछ थोड़ा हम निश्चित रूप से करने का यहाँ से संकल्प लेकर जाएं। और अगर ये आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें सौभाग्य से अभी देश में बहुत ही योग्य और असाधारण प्रतिभा वाले एक जिसे कहते हैं कि महान विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिले हैं। वो 2022 में भारत को एक और महान भारत न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी लौटनी चाहिए, हर एक गरीब आदमी का दुख उसका निवारण होना चाहिए, हर एक बच्चे के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे बुजुर्गों की, हमारे माताओं के, इनके स्वाभिमान की अच्छी तरीके से रक्षा होनी चाहिए। और देश को बहुत सारी बीमारियां जो घुन की तरह खा रही हैं, कोई जातिवाद के नाम पर है, कोई आतंकवाद के नाम पे है, कोई अलगाववाद के नाम पे है, कोई नक्सलवाद के नाम पे है, कोई माओवाद के नाम पे है, और कितने प्रकार के हैं, इन सबसे परे हटकर सारा देश वो मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ एक अच्छा जो मानव धर्म है उस दिशा के अंदर जो है सारे देश की सोच हो, और जो भारत से सारे दुनिया की एक आकांक्षा और अपेक्षा है कि भारत जो है एक प्रकार से सारे दुनिया को जैसे एक परिवार मानता है, सारी दुनिया भारत की तरफ देखती है। आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम इस प्रकार से दुनिया में रोशन किया है कि दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है लोग ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में भारत क्या सोचता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं। इसलिए हम सब भी मिलकर जो है उनके सपने में अपने सपने को जोड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए और देश और समाज के लिए जीने की आदत डालनी है। आज मैं मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई है चंदगी राम जी के इस परिवार के साथ आज मिलने से भी, इस अखाड़े में आने से भी, और मैं यहाँ मैंने सुबह उनको जगदीश जी को भी कहा कि इसके किसी भी प्रकार के विकास के लिए
जो भी आप योजना बनाना चाहे उसको बनाइए, आपको सिर्फ योजना बनानी है, उस योजना को इम्प्लीमेंट कराना करना, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करना, वो चाहे किसी भी सिस्टम से हो, चाहे हमारे अपने एमपी डेवलपमेंट फंड से हो, वो हम करेंगे। और यहाँ जो भी इसका और सर्वांगीण विकास होगा तो उसके अंदर हम सबको बहुत एक प्रकार से खुशी होगी, सुख होगा। मैं इस अवसर पर सभी महानुभावों को और पूजनीय माता जी को उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब यहां आज के कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर मूर्ति का आगमन कर रहे हैं, उसके बाद जगदीश जी का निवेदन है कि डॉक्टरों को अंदर को दिखाया जाते हैं, वो दिखाएंगे। कार्यक्रम चलता रहेगा, अभी हमें कुछ सम्मान और करने हैं, मैं डॉक्टर को जाना, इसलिए मैं चाहूँगा कि मूर्ति का आगमन करें और जगदीश जी आप दिखा देंगे। अभी कार्यक्रम चलेगा, अभी सम्मान होना आप लोगों का। हेलो, हमारे बीच में श्री बुद्धू खलीफा जी भी उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन अवार्डी शौकिंदर जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका भी स्वागत है। हनुमान अखाड़े के कोच श्रीमान महासिंह जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मनीष चाक युवा मोर्चा जिला मंत्री भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे क्षेत्र के सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, जो कि मास्टर जी चंदीराम जी के प्रति सभी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए जेपी शर्मा जी की बात कर रहे थे ना। अरे मेरे उनका नाम है, मेरे ये बहुत ही शंकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सामने मूर्ति का आना चाहिए। हमारे रेवड़ी से कार्यकर्ता प्रमुख कार्यकर्ता पुनीत बोहरा जी भी अपनी टीम के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, मैं उनका उनका स्वागत करता हूँ। आज ये बहुत सफल कार्यक्रम मास्टर जी की स्मृति में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी पूर्व जिला श्री सुभाष रावल जी, मंडल के पूर्व प्रधान श्री भूपेंद्र सरेन जी, श्री ओमकार चौहान जी, पूर्व में महामंत्री संजू जी, अनिल प्रोजी जी, ऐसे ही करते हो फिर भूल जाते हो, मंडल के कोषाध्यक्ष मनोज तिवारी जी, श्री अशोक तोमर जी, मंडल में मंत्री दिनेश अग्रवाल जी, मनोज बाली जी, मंडल में उपाध्यक्ष रिजवान जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमारे खंड प्रमुख प्रेमचंद दुबे जी, हमारे मनीष चांद थोड़ा गैप बनाओगे जब तो हम कुछ कैप्चर कर पाएंगे। थोड़ा गैप बनाओ ना यार भाई, साथ में खड़े हो जाओ आराम से। हमारे
संजय मित्तल जी बहुत समाजसेवी है हमारे, अक्सर दिल्ली में इनके छायाचित्र पोस्टर लोग में किसी विषय कोई भी हो उसको प्रचार करने में नंबर वन है, उनका भी बहुत अब तो अच्छी थी हमारे मंडल का मंत्री बहुत समय से पोस्टर थे